अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च इंट्रोडक्शन रिसर्च डेफिनेशन रिसर्च कैन टेक मैनी फॉर्म्स वट आर द करेक्टरस्टिक्स ऑफ रिसर्च सो लेट्स गेट स्टार्टेड रिसर्च री का मतलब है अगेन सो रिसर्च इज़ अ वेरी जनरल टर्म फॉर एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट इन अ मोर और लेस सिस्टमेटिक वे थिंग्स यू डिट नाट नो जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते उन चीज़ों के बारे में कोच करना उसको हम रिसर्च कहते हैं अ मोर एकेडमिक इंटरपिटेशन इज़ दैट रिसर्च इन वाल्वस फाइंडिंग आउट अबाउट थिंग्स दैट नो वन एल्स दैट नो वन एल्स न्यू ईधर मतलब वही बात कर रहा है कि जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते या कोई भी नहीं जानता है या मैं हूँ कोई भी हो सो so, उसके बारे में कोच करना इन्फॉमेशन इकट्ठी करना उसको हम रिसर्च कहते हैं इट इज़ अबाउट एडवांसिंग द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज और इससे क्या होगा कि नॉलेज में जो है एडवांसमेंट आती है रिसर्च मेथड्स आर द टेक्निक्स यू यूज टू डू रिसर्च दे रिप्रेजेंट द टूल्स ऑफ द ट्रेड द एंड प्रोवाइड यू विद वेज टू कलेक्ट सॉट एंड एनालाइज इंफॉमे सो दैट यू कैन कम टू सम समलूजन्स रिसर्च में क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं फिर उसको एनालाइज करते हैं उसके बाद जो है उसी जो रिसर्च है उसकी एक कंक्लूजन देते हैं सो so ये एक मेथड हुआ इफ़ यू यूज़ द sort सॉर्ट of ऑफ for फॉर योर पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च you यू शुड बी एबल टू other अदर पीपल दैट योर have हैव validity. रिसर्च करने के बाद आपने लोगों को मतलब ये भी अशोर कराना है कि जो मैंने रिसर्च किया दैट्स परफेक्टली राइट मीन्स वेलिडिटी शो करनी है एंड दैट द न्यू नॉलेज यू हैव क्रिएटेड इज साउंडली बेस्ड और ये जो है ये जो नॉलेज मतलब एक्सप्लोर मैंने किया है दैट्स टोटली साउंडली बेस्ट मीन्स दैट इज दैट दैट कैन बी टोटली ट्रस्टेड रिसर्च डेफिनेशन की बात करें तो रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना उसको हम क्या कहते हैं रिसर्च ये एक प्रोसेस होता है दिस नॉलेज कैन बी इधर द डिवेल्पमेंट ऑफ न्यू कंसेप्ट एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थीरीज़ अब ये ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च रिसर्च आप उन सब्जेक्ट्स पर भी कर सकते हो जिन पर ऑलरेडी लोगों ने किया हो उनमें नई चीज़ को मुतारफ़ कराना उसको भी रिसर्च कहा जाता है वो क्या होता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज भी हो सकती है या थीरीज हो सकती है लीडिंग टू तो अ न्यू अंडरस्टैंडिंग दैट वॉज नॉट प्रीवियसली नॉन मतलब उन चीज़ों के बारे में बताना जो लोगों को पहले से पता नहीं थी उन चीज़ों के बारे में दोबारा लोगों को बताना और वो चाहे कोई टॉपिक हो कोई थीरीज हो या कोई सब्जेक्ट हो सो दैट कम्स इन रिसर्च वाइल्ड रिसर्च कैन बी कैरिड आउट बाई एनी वन एंड इन एनी फील्ड और ये किसी भी फील्ड में किया जा सकता है बट मोस्ट रिसर्च इज़ यूजली डन टू ब्रॉडर नॉलेज इन द फिजिकल बायोलॉजिकल एंड सोशल वर्ल्ड्स तो इन सब्जेक्ट्स में किया जाता है दिस कैन रेंज फ्रॉम लर्निंग वेरी वाई सर्टन मटेरियल बिहेव द वे दे टू सो टू आस्किंग वाई सर्टन पीपल आर मोस्ट रिसलेंट मीन्स इसमें जो है ये डब्ल्यू एच वर्ड में जो वाई है उसका कंसेप्ट ज़्यादा है मीन्स हम वाई पे ज़्यादा डिपेंडेंट है देखिए ये ऐसा क्यों है और क्यों हो रहा है ये जो है जो वाई का क्वेश्चन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉटेंट इन रिसर्च द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इन टू एंड स्टडी ऑफ मटीरियल्स एंड सोर्स टू इस्टिश फैक्ट्स एंड रिसर्च न्यू कंक्लूजनस अगेन वही बात करें कि इसमें फैक्ट्स होनी चाहिए और तभी आप जाके एक कंक्लूजन दे सकते हो और आपने लोगों को मनाना है कि जो मैंने कोच की है जो एक टॉपिक को मुतारफ़ कराया है या जो रिसर्च uh, हुई है दैट्स परफेक्टली राइट और उसकी एक फिर कंक्लूजन होती है फैक्ट बेस होनी चाहिए नॉलेजेबल होनी चाहिए रिसर्च इज़ अ टर्म यूज़ लेबरली फॉर एनी काइंड इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ इंटेंडेड टू अनकवर इंटरेस्टिंग और न्यू फैक्ट्स सो अगेन दैट मीन्स के न्यू फैक्ट्स को अनकवर करना और जो टॉपिक में आप इंटरेस्ट रखते हो उसमें जो आप एक कोच करते हो एक नई चीज़ को मुतारफ़ कराते हो उसको अनकवर करना ये क्या है रिसर्च है अब रिसर्च कैन टेक मनी फॉर्म्स रिसर्च के जो पहला फॉर्म है वो है कैटेगराइज कैटेगराइज दिस इन्वॉल्व फॉर्मिंग अ टाइफिकोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा लेकिन इसकी एग्ज़ैम्पल ये है कि जो कैटेगराइज का मतलब है दर्जाबंदी अब होता क्या है कि इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये सपोज अब शेक्सपियर के जो ड्रामाज है उसमें आप एक ड्रामा उठाते हो उसमें क्या देखते हो उसमें आप ये देखते हो कि प्रोटोगनिस्ट कौन है इंटॉगनिस्ट कौन है उसमें आप मतलब जो करेक्टर्स है उनका जो रोल है वो देखते हो ये सब कुछ जो है किस में आता है ये कैटेगराइज में आता है अब उसके बाद अगर देखा जाए तो उसमें आप ये भी देखते हो कि एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के साथ क्या रिलेशन है जेंडर इश्यूज या जेंडर वगैरह ये सब कुछ देखते हो तो ये किस में आता है कैटेगराइज में आता है दूसरा जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एज़ बाय इट्स नेम आप जज कर सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है वजाहत देना और डिस्क्रिप्टिव में हम जो है वाई मतलब वाई क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं रहते हमारा जो मेन फोकस था वो हाउ एंड वट पे रहता है सो so, और इसमें भी हम जो है डेटा को ही कलेक्ट करते हैं अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अ कंपनी वांट्स टू डेवलप एंड लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट एक कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कराना चाहती है बिफोर द प्रोसेस बिगेन्स द कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स टारगेट मार्केट विल रिसीव द न्यू प्रोडक्ट तो कंपनी क्या सोचे कंपनी ये देखेगी कि जो न्यू प्रोडक्ट में लॉन्च कराने जा रहा हूँ क्या जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मैं टारगेट कर पाऊँगा या नहीं मतलब वो ये रिसर्च करेगी अब उससे जो अगला जो पैराग्राफ है उसमें कहते है कंपनी कैन कंडक्ट डिस्क्रिप्टिव उसे टू तो ऑब्जर्व कस्टमर्स बिहेवियर टू वर्ड अ सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ अ कंप्यूटर अब वो कंपनी ये भी देखेगी कि सेम उसी प्रोडक्ट के नाम से उसी प्रोडक्ट के Uh, मतलब फॉर्म में जो है एक और एस, एस, एक उस तरह क्रीम होगी कोई भी उस, कुछ क्रीम हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो वो उसको देखेगी और उसमें ये देखेगी कि, कि उसके टारगेटेड ऑडियंस कौन है तो ये सब कुछ देखने के बाद कंपनी कैन यूज़ ऑब्जर्वेशन टू डिटरमिन हाउ इट्स टारगेट मार्केट विल रिएक्ट टू द प्रोडक्ट फिर वो जो है जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको टारगेट करेगी जो तीसरा है वो है एक्सप्लेन अब दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च केयर स्पेशली डिजाइन टू डील विद कम्प्लेक्स इशूज़ इसमें हम कंप्लेक्स इशूज़ की बात करते हैं इट एम्स टू मूव बियॉन्ड जस्ट गेटिंग द फैक्ट्स टू मेक सेंस ऑफ द मैरिड वन अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व सच एज हुन पोलिटिकल सोशल कल्चरल एंड कंटेक्सटल इसमें हम एक्सप्लेशन देते हैं एक्सप्लेशन किस चीज़ से देते हैं जो हुमेन पोलिटिकल सोशल कल्चरल जो इशूज़ है जो कम्प्लेक्स ज़ है, है उस परसप्लिनेशन देते हैं Explanation is also referred to a casual research is conducted to determine how variable will interact. Example identify cause and effect relationship. Explanatory research deals with the why. अभी इसमें जो है जैसे descriptive में क्या था हमारा main focus था what and how पे और इसी तरह इसमें हमारा main focus जो है जो w h what question है वो why पे होगा. फिर चौथा टाइप है वो है evaluate. This involves making judgments about the quality of objects or events कन क्वालिटी कैन बी मयड इधर इन एब्सोलूट सेंस और एन कम्पेरेटिव बेसिस टू बी यूजफुल द मेथड ऑफ एविलिये मस्ट भी रिलिवेंट टू द कंटेक्स एंड इंटेंशन ऑफ द रिसर्च तो इवेलिएशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स या जो इवेंट्स है उसकी जो क्वालिटी है उसकी जजमेंट हम करते उसको हम किस में डालते हैं एविलिये में सो इट कैन बी मेड इन सोलूट सेंस और एन कंपेरेटिव बेसिस टू बी द बैथर्स ऑफ एवलेन मस्ट बी रिलेवेंट टू द कंटेक्सट और उसमें हमने कन्टेक्स देखना होता है कंटेक्स से जो है मुतल होना चाहिए रिलेटेड होना चाहिए

वो जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं द रिलेशनशिप बी माइट बी जस्ट अ लॉस्ट लिंक एट वन एक्सट्रीम और अ डायरेक्ट लिंक वेन वन फिनल काज एन अदर दिज आर मैर्ड एज लेवल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिडिक्ट, दिस कैन समटाइम्स बी डन इन रिसर्च एरियाज वेयर को आर ऑलरेडी नोन प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबल फ्यूचर बिहेवियर और इवेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस दैट इफ दिस इफ देर हैज़ बीन अस्ट्रॉग लेशन बिटवीन टू और मोर करेक्टरस्टिक्स और इवेंट्स इन द पास्ट दैन दिस शुड एग्जिटेंस इन द फ्यूचर तो इसमें हम प्रिडक्शंस देते हैं प्रडिक्शन का मतलब ये है पेशेंगोई फ्यूचर के बारे में जो पास में ये कुछ ऐसा था तो फ्यूचर में ये ऐसा होगा तो प्रडक्शंस की बात हम करते हैं कंट्रोल वंस यू अंडरस्टेंड एन इवेंट और सिचुएशन यू मे बी एबल टू फाइंड आउट वेज टू कंट्रोल फॉर दिस यू नीड टू नो What the cause and effect relationships and what you are capable of exercising control over the vital ingredients, all of the technology relies on this ability to control. तो इसमें हमारा main focus जो है वो events और situations पे होता है कि मतलब जो events और situations है उसको आप understand करते हो कि अगर इसे situation या ऐसे events आएंगे तो उसको किस तरह जो है control करना है तो ये भी एक research होती है। अट वाट आर द करेक्टरिस्टिक्स रिसर्च गुड रिसर्च फॉलोज अस्टमेटिक अप्रोच सिस्टमेटिक अप्रोच मीन्स अ रूल्ड अप्रोच टू कैप्चर एकट डेटा एक्योरेट डेटा होना चाहिए रिसर्चर्स नीड टू प्रैक्टिस एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट कोड का मतलब है लैंग्वेज वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेश ड्राइंग कंक्लूजनस तो वही बात कर रहा है कि कंक्लूजन uh, एक अच्छी कंक्लूजन होनी चाहिए मतलब इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए फैक्ट्स बेस्ड होनी चाहिए तभी वो आपकी एक अच्छी रिसर्च बनती है द एनालिस इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग मतलब एक लॉजिक होनी चाहिए जो चीज़ आप रिप्रेजेंट करें उसकी लॉजिक ना कि इलॉजिकल हो एंड इन वो बहुत इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड्स रियल टाइम डेटा एंड नॉलेज इज डिराइव फ्राम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग्स एंड देयर इज एन इन डेफ्थ एनालिसिस ऑफ ऑल डेटा कलेक्टेड सो दैट देर आर नो एनमलिज एसोसिएटेड विद इट तो इस पॉइंट में ये कहा गया कि आप एनालाइज करते हो मीन डेफ एनालाइजेशन करते हो एक डेटा कलेक्ट करने के लिए इट क्रिएट्स अप फॉर जेनरेटिंग अ न्यू क्वेश्चन तो इस पर जो है न्यू क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकते हैं एक्जिस्टिंग डेटा हेल्प क्रिएट मोर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ तो ये जो आप रिसर्च करते हैं उससे क्या होता है दूसरों को भी मौका मिलता है कि उस पर रिसर्च करें एक अपॉर्चुनिटी आप जो है बिल्ड कर दें उन लोगों के लिए इट इज़ एन एलेक्ट्रिकल एंड यूज ऑल द अवेलेबल डेटा एज देर इज़ नो एम्बिगिटी इन रेफरेंस सो एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च एक होनी चाहिए द इन्फॉर्मेशन मस्ट भी एक्यूरेट एंड करेक्ट मतलब एकोरेट और करेक्ट होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल लेबॉटरीज प्रोवाइड अ कंट्रोल इन्वायरमेंट टू कलेक्ट डेटा ए कैड सीज मैयर इन द इंट्रोमेंट्स यूज द केलेब्रेशन ऑफ इंस्ट्रोमेंट्स और टूज एंड एक्सपेरमेंट्स फाइनल रिजल्ट सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला हाफेज टेक केयर ऑफ फेज